आज डोरिया लाइन चौक पे नशा मुक्ति कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो नशा का कारोबार करने वाले लोग थे और यहाँ के नौजवान लोगों में एक गहरा उठाया था, क्योंकि मैं नहीं 2012 से सोशल वर्कर का काम करता हूँ, लगभग पंचायतों का दौरा करता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो एक सवाल जरूर उठाता हूँ कि आपके बच्चे, आपका नस्ल बर्बाद होते जा रहा है, इसको बचाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप कितने लोग हैं, उन्होंने हमें न हिम्मत दिया न हम लोगों को कोशिश करने का हुक्म दिया कि जाओ बेटा, हम तुम्हारे पीए पर है और तुम इस डेरे को उठाओ और हम लोग साथ मिलकर इसको खत्म करेंगे। ये नहीं हो सका। अंतिम में हमारे कुछ नौजवान लोगों ने एक डेरा उठाया और इस डेरे के हिसाब से मुझे लगा कि ये एक एक पंचायत करके अलग अलग डेरा उठाया और नशे को जल्द से समाप्त करने का और नियत किया। उन्होंने यह सफल किया और अच्छे तादाद में हमारे अररिया जिले के लगभग पंचायत में यह चीज असर करते हुए लगभग पंचायत में यह फैल रहा। मैं आपको बता दूं, खासकर मैं अपने गार्जियन से भी आग्रह करेंगे कि मेरे गार्जियन आज से आप 10 साल पीछे जाए, 10 साल पीछे आपने हर चौक हर जगह हर मस्जिद हर मैदान में हर जगह एक मकतब चला करता था। हमारे नौजवान, हमें याद है कि हम लोग उस समय में सुबह उठते थे तो किताब पकड़ते थे और मदरसे में जाकर बैठते थे। जहाँ मदरसा नहीं था तो मकतब हुआ करते थे, मकतब नहीं था तो मस्जिद में बैठा करते थे और दोपहर आते थे फिर गुसल करते थे फिर मकतब चले जाते थे। हम लोगों को वो समय में टाइम नहीं मिलता था तो नशा नहीं फैला और आज हम लोग मकतब को बंद कर दिए हैं। हम सारे गार्जियन आज आग्रह करेंगे कि आप लोग मकतब का पुनर्चारण करें और मस्जिद हो चाहे किसी दरवाजे को मक्खन का कफन करें, बच्चे को इंगेज करें। अगर बच्चे को इंगेज नहीं करेंगे तो कितने कहते रह जाइएगा, आपको इसी असर नहीं पड़ेगा जब तक आपका बच्चा इंगेज नहीं हो। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं मिलता है तो मदरसे रखें, क्योंकि 50-100 कोई भी देने के लिए मंडली तैयार होगा और 10-20-50 बच्चे का एक कमेटी बनावे और वह टीचर की बहाल करावे, उसको सब मिलकर संचालित करें। अगर स्वच्छ समाज को बनाना हो, अगर अच्छे समाज का निर्माण करना हो और अपने गांव बनाना हो और वह टीचर की बहाल करावे, उसको सब मिलकर संचालित करें। अगर स्वच्छ समाज को बनाना हो, अगर अच्छे समाज का निर्माण करना हो और अपने गांव बनाना हो तो इसमें आप लोगों को अपना योगदान देना होगा और चार बल के साथ करना होगा। हमें इस दुनिया में अल्लाह इसलिए नहीं भेजा, अल्लाह ने भेजा इस दुनिया में कि आप हर दुनिया में जाकर अपने हर समाज का ख्याल रखने के लिए भेजा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ये कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा दुनिया, ऐसा नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका पड़ोस भूखा था, आपके पड़ोस में जो घर थे, आपके पड़ोस में गलत होता था कि आपने आवाज उठाया, इसकी भी सवाल कयामत में होगी। अगर सच्चे मुसलमान हो, अपनी मेल बन रहे तो इसको भी याद रखना कि कयामत के दिन सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है अपने समाज के लिए, क्या किया है। और हम लोग सुरक्षित रहते हैं सिर्फ अपने अपने परिवार में, ऐसा कभी नहीं सोचे। आप कोशिश करें, अगर आप कोई हो, आपका पड़ोसी है, आपका बेटा है, आपका नौजवान है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बीच में खड़े रहेंगे, आप हिम्मत तो दें। आप एक बार हिम्मत करके तो देखें, हमें यकीन है आप गार्जियन लोग हिम्मत देंगे तो नौजवान लोग अपना जिस्म कुर्बान कर देंगे। मेरे देश की आजादी ऐसे नहीं हुई थी, मेरे गांधी जी के पीछे बहुत नौजवान लोग चले थे और बहुत लोगों ने जवानी में अपनी जिंदगी गवा दी, तब मेरा देश आजाद हुआ था। और मेरा इस्लाम ऐसे नहीं फैला, हमारे नबी पर बहुत सारे चीजें फेंके गए, उन्होंने सहा, तब मेरा इस्लाम फैला। उसको भी पढ़िए, उसको भी याद कीजिए, तब जिंदगी जिएगा, तब जिंदगी का मजा कुछ और होगा। इसलिए फिर से आग्रह करेंगे हम सारे लोगों से, खासकर गार्जियनों से भी आग्रह करेंगे कि आप जो विचार है, जो बात है, उसको तौबा कीजिए, फिर से
नए हुनर के साथ नौजवानों के साथ सदा और नौजवानों को हिम्मत है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप लोग हिम्मत देंगे कि ये नौजवान अररिया जिला क्या है, पूरे बिहार में आप लोग उनके नाम का रोशन रखेंगे और आपको पूरे देश जानेंगे। आपके लिए सारे लोग आएंगे कि अररिया जिला के डोरिया गाँव से ये चीज का आगाज हुआ था, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप सारे लोगों से आग्रह है कि इसको कायम रखें और सब मिलकर इस पर विचार करें, ऐसा करें कि ये देश नाबूद हो जाए, तुरंत चीज की स्थापना नहीं हो। और नौजवान लोग भी ध्यान दें, इसके लिए सारे कमेटी का दिल से अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय डोरिया से नाबूद।